देश भर के इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी। 27 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी बन रही है। इन इलाकों में बर्फबारी के साथ आंधी, बिजली गिरने की भी संभावना। राजस्थान राज्य के भी इन जिलों में होगी गरज और चमक के साथ में बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। पश्चिमी क्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान व आसपास के ऊपर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके असर से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना। इसी दौरान कहीं कहीं पर अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में भी 27 अप्रैल के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी दौरान पूरे इलाके पर बादलवाही और तेज गति से हवाएं चलने, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में वज्रपात के साथ झंझावत और झोंकेदार हवाएं चलने, हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर बरसात की चेतावनी जारी की है। राज्य में उज्जैन संभाग के जिले भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, इन जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ में गरज, बिजली और तेज गति से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 अप्रैल को कई स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।